प्रदेश सरकार की दमन नीतियों के खिलाफ किसान समस्या, आलू का रेट और खराब कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर सिद्धार्थनगर के बासी तहसील के तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई और प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का काम किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद आलोक तिवारी ने जहां प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया, वहीं सपा की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष विभा शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार अब न सुधरी तो सपा विधानसभा को घेरने का काम भी करेगी। ये सरकार जिस तरीके से धर्म की राजनीति करके लोगों को बांट रही है और बांटने के बाद ध्यान भटका रही है कि उनको उनका अधिकार ना मिले, उसकी लड़ाई है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस सरकार ने कत्ले आम मचा रखा है, चाहे वो डकैती के मामले में हो, आप देखिए शहरों में किस तरीके से और गांव में किस तरीके से डकैत घूम रहे हैं, और जाति के नाम पर बरगलाने का काम किया है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। और हमेशा ये एक धर्म को दूसरे धर्म से जो बांट के और उसके बाद दूसरे भी धर्म का जो अधिकार है, जो जो बेरोजगारी के मेन मुद्दे हैं, आज वो उसको हटा के आज आपने देखा है कि पूरे शहर में माननीय जी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, भगवा कलर कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि भगवा कलर आप करिए, लेकिन नौजवानों को रोटी तो दीजिए, किसानों के आलू को तो खरीदिए, आप भगवा नहीं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि मुझको भी भगवा कलर में कर दीजिए, लेकिन कम से कम आप जो है नौजवान किसान और सबको रोटियां दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा के, बिना महिला की सुरक्षा के महिलाएं रोज लूट रही हैं, पिट रही हैं, और किसानों का आलू फेंका जा रहा है, बिचौलिया उसको खा रहे हैं। आज सड़कों पे हर जाति और धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं और उस ये तो धरना प्रदर्शन है। अब की बार जब ये सरकार नहीं चेतेगी तो घोर प्रदर्शन होगा, हम विधानसभा तक जाएंगे, ईंट से अपनी खून की एक एक बूंद बहा देंगे, केवल न्याय के लिए। जो जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जाति और धर्म की ओट राजनीति की जा रही है, उसके लिए हम अपना खून से एक एक खून कतरा कतरा देश के लिए और प्रदेश के लिए और बांसी के उद्धार के लिए बहा देंगे। जहाँ तक सिद्धार्थनगर का सवाल है, सिद्धार्थनगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है, यहाँ का किसान पूरे बाढ़ में तबाह रहा है, बर्बाद रहा है, उसे उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिला, उसे राहत नहीं मिला। इसको लेकर के भी हमारा ये आंदोलन है, और पूरे उत्तर प्रदेश पे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी के समय में, सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब थी। आज क्या स्थिति है, आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में? लखनऊ जैसे महानगर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां दो जगहों पर भीषण डकैती हुई और कम से कम 11 लोगों की जानें चली गई, लाखों जो है वो लूट हुई, डकैती हुई। आज कानून व्यवस्था कहाँ है? आज कहाँ है सरकार? कहाँ है आज पुलिस? तो आज इन सारी मुद्दों को लेकर के नौजवान परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, और इन सारी चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है।